अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू महफूजाज कुकिंग चैनल। आज हमने जो है चीज़ और बीफ के रोल बनाए, आज इसकी रेसिपी बताएंगे। चले फिर काम अपना शुरू करते हैं। कीमा रखा हुआ है, जो है 150 ग्राम हमारे पास कीमा है और हमारे पास एक दरमियानी प्याज कटी हुई है। ये सारे मसाले हैं जो इसमें हम यूज़ करेंगे। तो चले फिर हम जो अपना चूल्हा खोल के पकाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चूल्हे पर मैंने 1 टेबल स्पून फ्राई पैन में 1 टेबल स्पून जो है मैंने ऑयल डाला है, कुकिंग ऑयल। इसमें 2 जो है हर पेपर्स डाली हैं। ये ज़रा गर्म हो गई तो इसमें मैं अपना ज़ीरा डाल रही हूँ। ज़ीरे के साथ साथ मैं ये जो है ये कीमा जो है ये चला जाएगा इसके अंदर। ये 150 ग्राम कीमा है हमारा। और इसके साथ साथ ये सारी ये टर्मरिक पाउडर है 1/2 टीस्पून। इसमें जो है सॉल्ट 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ। और इसमें जो है मेरा ये धनिया पाउडर जो कुटा हुआ वो भी 1 टीस्पून डाल दिया। इसमें जो है ब्लैक पेपर है 1 टीस्पून जाएगी, ये भी कुटी हुई है। और इसमें जो है ये थोड़ा सा पिंच ऑफ अजवाइन है वो डाल दी। और इसके साथ साथ हमारे ये गरम मसाला जाएगा वो 1 टीस्पून है, ये भी गया। अब जो है मैं इसमें डालूँगी, इसमें लाए मैंने पड़ के ये जिंजर गार्लिक जिंजर और ये क्रश हुआ ग्रीन पेपर, ये 3 चीज़ें हैं, ये सारी इसमें चली जाएंगी। इसको थोड़ा सा भूनेंगे, अच्छी तरह से मसाला मिक्स हो जाएगा। तो इसमें जो है ना हम थोड़े से और मसाले डाल देंगे। तो झटपट ये झटपट से कीमा बन जाएगा, बिल्कुल ड्राई सा होगा। फिर इसके ऊपर जो ऊपर हम लोग जो है ये पामाजान चीज़ डालेंगे। अभी नहीं, ये हमारा कीमा जो है भुन रहा है माशाल्लाह से। कीमा बहुत अच्छी तरह से अब पकने लगा है, लेकिन बहुत अच्छी तरह सारे मसाले से मिक्स हो गए हैं। मैं इसको 5-6 मिनट से कंटिन्यू चला रही थी और इसको थोड़ा सा बंद करके पका भी लिया ज़रा सी देर के लिए। अब आपको दिखा रहे ऑलमोस्ट पक रहा है। इसमें लाइन वाले करके अब इसमें जो है मैं ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें डाल दूँगी। ये मेरे पास जो पेपर कटी हुई है 2 कलर पेपर है, ये इसमें चली जाएंगी। ये मेरे पास जो गाजर है, 2 बड़ी बड़ी गाजर हैं वो छोटी छोटी काट के रखी हैं। ये इसमें जो स्प्रिंग अनियन है 1-2 चम्मच, ये भी काट के डाल दी है। इसमें हरा धनिया है, ये भी जाएगा 1/2 कप धनिया, और ये भी कलर पेपर है। और इसमें थोड़ी सी जिंजर है, और इसमें 1 टीस्पून जो है वो कड़ी लीव है। सब चले गए इसमें। अब इसको जो है मैं इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ। हमारा कीमा और रेडी हो चुका। बस ये बन गया। चलो हमारा कीमा तो रेडी हो गया हमारे रोल्स के लिए। अब बारी आ गई है हमें आटा गूंदना है, इसके लिए आटा बनाना है। सबसे पहले हमने ईस्ट लिया, हमने 1/2 कप पानी लिया गरम का, हल्का नीम गरम। इसमें 1 चम्मच जो है मैंने शुगर डाल दी और 1 चम्मच ईस्ट डाल दिया। इसको मिला के इसको रख दिया, तो 1/2 घंटे के लिए इसको रख दिया। इसने ईस्ट ने अपना काम दिखा दिया, ये बहुत फ्लफी हो गया है। यहाँ पर मैंने जो है मैदा जो है 1.5 कप मैदा लिया है और 2 चम्मच जो मैंने इसमें मैं गेहूँ का आटा मिलाया है, ये मैंने छान फून के इस कप में रख दिया है। अब इसमें जो है मैं 1/2 टीस्पून अपना सॉल्ट डाल देती हूँ, 1 टीस्पून सेसमे सीड डाल दूँगी इसके अंदर, 1 टीस्पून मैं इसमें ज़ीरा डाल दूँगी, वो पिसा हुआ नहीं खुला साबुत ज़ीरा डालेगा यानी क्यूमिन सीड। और इसके साथ साथ ये हमारा ईस्ट चला जाएगा इसमें पूरा पूरा, हम जितना इसको ईस्ट हमारा है चला जाएगा इसके अंदर, ठीक है। और फिर इसमें हम जो है 2 टेबल स्पून हम इसमें ऑयल डालेंगे, ये ऑयल हमारा इसमें चला जाएगा। ये चला गया,
इसको हमने मिला लेना है पहले अच्छी तरह से, फिर हाथ से हाथ डाल के इसको गोंद लेना है। गोंद के हम इसको जो है अच्छी तरह से गोंद के इसको एक घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि ये आटा सेट हो जाए। फिर हम इसके जो है आपको बताएंगे इसके रोल बना के इसमें अपना जो बीफ कीमा चीज़ वाला कीमा जिसके हम पेटीज बना रहे हैं वो उसमें भरना आपको बता देंगे। अभी तो ये प्रोसीजर है, हमें इसको एक घंटा रखना पड़ेगा। फ्रेंड्स देखें हमने जो है ना कीमे के रोल के लिए जो आटा रखा था इसी कंडीशन देखते हैं। इसकी बारी है कि मैं इसके मिला के और लगा के इसके पेड़े बना लूँ। ये जो कीमा हमने बना के रखा बनाया हुआ था इसमें जो है हम पामाजान चीज़ डालेंगे। बेसिकली ये बीफ कीमे बीफ कीमा और चीज़ के रोल बना रहे हैं। तो इसका आटा जो है वो तो आपके सामने बनाया था, अब इसके मैं रोल बना लेती हूँ। पेड़े इतना इतना इसका पोर्शन लिया और पेड़े बना लिए। आटे के पेड़े जो है मैंने बना के रख लिए, अब इसको बेल लेते हैं ताकि इसमें हम इसकी फिलिंग कर लें। ये हमारे जो रोल्स हैं इसको मैंने थोड़ा सॉफ्ट रखा हुआ है ताकि ये ज़रा सॉफ्ट रहें। देखें इसको ज़रा सा खुश्का डाला और इसको बेल लेंगे। इसमें पामाजान चीज जा रहा है कीमे की फीलिंग के साथ। इसमें हमने कीमे की बीफ का जो कीमा बना के रखा है इसमें पामाजान चीज भी डालते हैं। इसको यूँ किया, दोनों साइड से मोड़ लें, फिर यहाँ पर जो है इसको फील कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम एक और आपको बना के बता देते हैं। इस पर खुशका डाला, थोड़ा सा ओवल टाइप का बनाएंगे ना तो ज़रा इजी रहेगा। ये हो गया, इसमें जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके ये हमारा फिलिंग जो कीमा बना जो हमारा कीमा बनाया हुआ है ना इसमें हमने ये इसमें कीमा डाल रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। देखिए कीमा चला गया, इसके साथ साथ ये हमारा पामाजान चीज़ है, ये पामाजान चीज़ हम इसमें डाल रहे हैं। ये इस ब्रांड का पामाजान चीज़ हमने इसमें लिया हुआ है, ये वाला ब्रांड का चीज़ पामाजान चीज़ है। इसको यूँ टर्न किया तो यहाँ से भी टर्न कर लिया, यहाँ से भी टर्न किया, ये हो गया। पैन करें और इसको टर्न कर लें, ये हो गया। फ्रेंड्स ये मैंने रोल सारे बना लिए, देखो एक दो आपके सामने बनाए थे। अब इसमें मैंने एक अंडा जो फेंटा हुआ है इसकी जो है मैं इसको लेस कर लेती हूँ यहाँ पर और अपने रोल पर। ये दोनों प्लेटों में रखा है, एक में चार है एक में मेरे पास पांच है। ये 9 रोल्स मेरे बने इसमें और मेरे पास जो है फिलिंग का थोड़ा सा बच गया अभी कीमा और। सेम
इसको जो है ना अच्छी तरह से दोनों साइड से लगाते हैं। फिर इसके बाद इसके ऊपर मैं थोड़े से सेसमी सीड डाल लगा दूंगी। ये सेसमी सीड लगा के इस तरह इसे जो भी आप लगाना चाहें सेसमी सीड, और मैंने जो है उसके ये सीड जो होते हैं ना उसके पम्पकिन सीड छोटे वाले वो भी लगाए हैं, इसमें बड़े अच्छे लगते हैं। और थोड़ा सा मैंने ये ड्राई फ्रूट जो है पिसा हुआ है पिस्ता बादाम, ये जब बेक हो जाएगा तो बहुत मज़े का लगेगा। यानी मैं इसको टर्न करके इसको लगा देती हूँ फिलिंग को अच्छी तरह से। इधर पहले यहाँ की बारी कर लूँ, ये अंडा जो है बहुत अच्छी तरह इसको लगा लेंगे। फिर इसके बाद जो है ये इसके ऊपर ये थोड़ा सा छिड़क देंगे, ये बन के बहुत अच्छे लगेंगे। इसको बेक करना हो अगर आपको ओवन में तो 180 डिग्री पे इसको प्री हीट करना पड़ेगा 15 मिनट तक तो एटलीस्ट आपको प्री हीट रखना होगा। और फिर इसके बाद जो है इसको 35 मिनट्स लगेंगे ओवन में 180 डिग्री पे रख के। लेकिन मैं जो है एयर फ्रायर में डालूंगी तो मुझे थोड़ा सा ज़रा जल्दी हो जाएगा, एयर फ्रायर में भी ये बेक हो जाएंगे और मुझे जो है 5 to 10 मिनट्स जल्दी बन जाएंगे, बस ये फ़र्क है। नहीं एयर फ्रायर तो आप इसमें, और इसको आप चूल्हे पे भी बना सकते हो इसी तरह से करके, यानी कि ये हो गया। अब इसको जो है हम इसमें जो है ये हम थोड़ा सा एक तरफ जो है यहाँ पर इस छिड़क रहे हैं, एक में हमने वो पम्पकिन सीड भी डाले हैं लेकिन एक में हम नहीं डाल रहे हैं। कुछ लोग घर में खाएं ना खाएं तो 5 जो मैंने सिर्फ ये सेसमी सीड वाले रखे हैं। अब इसको जो है मैं थोड़ा पूरा कर लेती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ उसमें ट्रांसफर। अब इसको दूसरी साइड पर जो है मैंने टर्न कर लिया है ताकि इसको दूसरी साइड पर मैं अपना अंडा लगा लूँ और इसकी फिलिंग कर लूँ। ये 5 और 5 जो है दूसरी साइड पर हो गए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। ये भी दूसरी साइड पर हो गया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। अब इसको जो है इसको भी हम अंडा लगा लेते हैं पहले खूब अच्छी तरह से ताकि इसकी टेस्ट अच्छा हो जाए। और ये इसको जब ये बेक होगा, ऑब्वियसली इसमें भी बेक होता है ओवन में भी, तब ये फूल जाएगा और बहुत मज़े का अंदर से बनेगा, क्रिस्पी बनेगा। तो ये 5 जो है मेरे खाली ओनली सेसमी सीड वाले हैं, ये जो है पम्पकिन सीड और बादाम पिस्ते वाले दोनों साथ हैं। अब इसको जो है अब इस साइड पर हमारी बारी आ गई, इसको हम टर्न करेंगे। ये हमारे थोड़े बड़े बड़े बन गए हैं, इसको हमने ये टर्न किया, इसको हमने टर्न किया, इसको टर्न किया। अभी कच्चे हैं ना थोड़े से हो जाते हैं, इस पर भी हम अंडा लगा लेते हैं अच्छी तरह से। को भी और एक और बाकी रह गया हमारा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बड़ा सा बन गया। हाँ ये हो गया, इसकी अंडा हालांकि मैंने इतना ज़्यादा लगाया फिर भी बच गया, ये बहुत ज़्यादा नहीं लेता। चलें अब इसके ऊपर जो है हमने जो सेसमी सीड थोड़े से हमारे पास रह गए ये चले गए और इसमें हम पम्पकिन सीड लगा देंगे थोड़े से, ये हो गए। इसमें हम थोड़ा सा ये हमारा ड्राई फ्रूट भी लगा देते हैं। अब इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे एयर फ्रायर में, ये हमारा एयर फ्रायर है, इसको हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं। इसी ब्रश की मदद से हमने ऑयल लगाया, इसमें लाई रमाने करके हमको इसके अंदर डालना है। अब से हमें अपना हाथ यूज करना पड़ेगा, इसमें लाई रखमाने रहे, इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये हमारे
पास अभी स्पेस नहीं है कि ये सारे जाएं, लेकिन एक शायद चला जाएगा। ये ज़्यादा सॉफ्ट हो गए, ये बड़े भी बन गए हैं। ओके चले जी, देखें मैं आपको ये हटा देती हूँ ताकि आप देख सकें। तो मैं अभी सेट कर लूँगी, बाकी बाद में बना लेंगे। थोड़ा सा और ऊपर ऑयल लगा देती हूँ ताकि वो क्रिस्पी बन जाए मज़े के। उसको जो है अपने, ये हमारे रोल जो है रेडी हो चुके हैं। मैंने इसको जो है बेक किया एयर फ्रायर में, इसमें जो है 30 मिनट्स लगे, 15 टाइम्स, एक दफ़ा 30 मिनट्स टोटल लगे इसके। देखिए बहुत मज़े के, ये शाम की चाय के साथ जो है साइड डिश है जो खाना। और जो है अभी मैंने चाय नहीं बनाई, लेकिन हम चाय बनाएंगे, चाय के साथ खाएंगे ये। उसको केचप के साथ खा लें, अचार के साथ खा लें, चटनी के साथ खा लें, बहुत मज़े के हैं, बहुत अच्छे। ये बीफ और पामाजान चीज़ के साथ बने हुए हैं, बीफ के कीमा। और इसको आप चिकन के रोल के साथ भी बना सकते हैं, इसको फ्राई करके भी खा सकते हैं। बहुत मज़े के हैं और खाने के टाइम पर साइड डिश में बहुत मज़े के रहते हैं। अचानक मेहमान आ जाए तब भी अच्छा लगता है। चले फिर जो है आप हमारी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, ज़रूर ट्राई करना। और अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना और शेयर करना। और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।